रॉकेट इंजीनियरिंग के इतिहास में पहली बार उड़ान भरना तो आसान है, लेकिन मंगल पर हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या फाल्कन ठीक उसी जगह पर उतर सकता है जहां से वो उड़ा था। फाल्कन 9 रॉकेट एक गगनचुंबी इमारत जितना बड़ा है, उसमें रॉकेट ईंधन भरा हुआ है और हम टेक्सास के बीचों बीच हैं, और वो मैं हूँ जिसकी उंगली प्लीज अब नीचे आओ या प्लीज जो कर रहे हो उसे रोक दो वाले बटन पर। तो डर लगता है। यस। इस उड़ान में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई, हम इसे लेकर बहुत खुश हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये रॉकेट बना सकते हैं और लॉन्च पैड पर एकदम सही जगह पर उसे उतार भी सकते हैं। इसका मतलब अब हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। फाल्कन 9R बस इतना ही शक्तिशाली है कि वो एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सके, लेकिन स्पेसएक्स ने एक और बड़ी रॉकेट पर काम शुरू कर दिया है जो है फाल्कन हैवी। दोबारा इस्तेमाल के लायक हैवी लिफ्ट रॉकेट एस्ट्रोनॉट से भरे एक स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के इर्द गिर्द पार्किंग ऑर्बिट में भेजकर फिर दूसरे चक्कर के लिए लौट सकता है, जिसमें वो इतने ईंधन वाला टैंकर पहुंचा देगा कि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से मंगल पहुंच सके। स्पेसएक्स के नजरिए से दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट न सिर्फ मंगल जाने के अकेले इंसानी मिशन की लागत कम करेंगे, बल्कि वो मंगल पर बस्तियां बसाने को बढ़ावा भी देंगे। बात यह है कि मंगल पर पहुंचने के लिए सबसे सही वक्त तब होता है जब ग्रह एक सीध में होते हैं, ताकि वहां पहुंचना सबसे किफायती हो सके। इसलिए अगर हमें मंगल पर बस्ती बसानी है तो हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां भेजना चाहिए, और कुछ साल के बजाय कुछ घंटों के अंदर दोबारा उड़ान भरनी चाहिए। अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की लागत को $5,00,000 से कम कर सकें, और उम्मीद है आगे चलकर उससे भी कम करने में कामयाब रहे, तो मुझे लगता है कि काफी लोग पृथ्वी पर अपना सारा सामान बेचकर मंगल पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट जल्द ही एस्ट्रोनॉट को पहले से कहीं ज्यादा तादाद में कक्ष में भेजने लगेंगे, लेकिन उनके और मंगल के बीच अब भी एक बड़ी रुकावट है। क्या वो वहां तक के लंबे सफर को झेल पाएंगे? अंतरिक्षीय इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट बना रही है जो अंतरिक्ष में जाने के हमारे तरीके की काया पलट कर देंगे। जल्द ही वो मंगल पर मानव सहित स्पेसक्राफ्ट भेजने लगेंगे, लेकिन क्या एस्ट्रोनॉट इस सफर को तय करने लायक मजबूत हैं? उनके कैप्सूल को, जिसमें एक छोटी गाड़ी से ज्यादा जगह नहीं होती, सौर मंडल के इर्द गिर्द एक लंबा चक्कर लगाना होगा जो धीरे धीरे कक्ष से निकलकर मंगल की तरफ बढ़ेगा। जब ग्रह अच्छी तरह से एक सीध में होंगे तब भी इस सफर में कम से कम 6 महीने लगेंगे। उस दौरान एस्ट्रोनॉट पर खतरनाक स्तर के सोलर रेडिएशन का हमला होगा। पृथ्वी की सतह पर हम पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष के रेडिएशन से सुरक्षित रहते हैं। जब आप पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। फिलहाल अगर हम एक दल को मंगल पर भेजें और वापस लाएं, तो उन्हें उससे कहीं ज्यादा रेडिएशन की मार झेलनी पड़ेगी जितनी हम अपने एस्ट्रोनॉट को सहने देते हैं। और शून्य गुरुत्वाकर्षण में लगातार महीनों बिताने से दूसरी शारीरिक दिक्कतें हो जाती हैं। हड्डियों को नुकसान, मांसपेशियों को नुकसान और दिमाग के आसपास मौजूद फ्लूइड में बदलाव होने से उनकी आंख की पुतलियों का आकार बिगड़ सकता है, जिससे धुंधला नजर आने लगेगा। लेकिन मंगल तक के लंबे सफर का एक और जोखिम भी है, वो किसी भी मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अपने पूरे सफर में एस्ट्रोनॉट न कभी अपने तंग क्वार्टरों से बाहर कदम रखेंगे और न कभी एक पल अकेले रहेंगे। अच्छा तो रेचल, मैं चाहता हूँ कि आप एक बढ़िया सी खिली हुई मुस्कान दें। बहुत खूब, ठीक है, बस बस इतना काफी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर डेविड डिंजिस एस्ट्रोनॉट की दिमागी हालत पर लंबे समय तक कैद रहने के असर का अध्ययन करते हैं। और अब आप कुछ बुरा सोचना शुरू कीजिए। बर्ताव की दिक्कतें बेकाबू हो जाने से पहले उनका पता लगाने की टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है वो है डिप्रेशन, गंभीर साइकोटिक रिएक्शन, खुदकुशी पर उतारू बर्ताव। हम लोगों की इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वो कब बहुत उदास हैं या कब बीमार हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए ये मुमकिन है कि महीनों तक लगातार वो एक तंग जगह में एक साथ रह पाएंगे, डेविड ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ काम किया। एक साथ मिलकर उन्होंने मंगल पर जाने का मिशन बनाया जो पूरी तरह मॉस्को में हुआ।
मॉस्को के इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जमीन पर एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसमें असली मिशन कंट्रोलर और असली लोग थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉट ट्रेनर, जो यूरोप से, रूस से और एक चीन से था। सभी 6 लोग मर्द थे जो एक चैम्बर में रहे। मंगल जाने और वापस आने के पूरे मिशन के लिए रहे लगभग 17 महीने तक। वेल, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ये देखिए, ये कैसा है? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। एक साल पहले 7 जून सन 2010 को हम इस मॉड्यूल में आए थे और हम एक साल तक बाहर नहीं निकले, और अब भी हमें 155 दिन बिताने हैं। ये अब तक किया गया सबसे लंबा स्पेस सिमुलेशन था। 520 दिन तक इन लोगों ने एक साथ खाया। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है पर स्वाद अच्छा है, जो ज्यादा मायने रखता है। एक साथ सोए। देखो ये कितने आराम से लेटा है। और काम किया। मार्स 500 मॉडल्स में हम रोज की तरह काम कर रहे हैं। एक तंग कमरे में डेविड ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी। इस एक्यू वॉच को देखिए जो दल के इस सदस्य ने पहनी है, जो लाइट और शरीर की हलचल रिकॉर्ड करती है, और वो दल के सदस्यों के सोने जागने के वक्त का पता लगाने के लिए बहुत अहम थी। कितनी देर सोए और कैसी नींद आई, और दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पूरे मिशन में वो उसे पहने रहे, और इसीलिए हमें 40 लाख से ज्यादा मिनट का डेटा मिल सका। दल के लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर बाहरी दुनिया से अलग नहीं हुए। मिशन कंट्रोलर ने बाहरी दुनिया के साथ सभी संचारों में, यहाँ तक कि परिवार के लोगों से बात करने में भी हर एक दफा संवाद में 20 मिनट की देरी लगा दी, ताकि उन्हें ऐसा लगे जैसे वो घर से लाखों करोड़ों मील दूर हैं। समस्याएं उस हिस्से में शुरू होने लगी जिसे मिशन की दूसरी तिमाही कहते हैं। जैसे ही किसी को नींद न आने की बीमारी या डिप्रेशन या पूरी नींद देने में परेशानी होती या तनाव का असर होता या थकान महसूस करता या ग्राउंड कंट्रोलर से मतभेद हो जाते, तो ये सब समस्याएं बनी रहती और मिशन के बाकी समय में जमा होती रहती थी, और ये समस्याएं जल्द अपने आप सुलझती नहीं थी। जब 1.5 साल बाद दल वापस आया तो 6 में से 4 सदस्यों में बर्ताव से जुड़ी अहम परेशानियां दिखाई दी। डेविड ने इन परेशान कर देने वाले नतीजों को एक चुनौती के रूप में लिया। वो नहीं चाहते थे कि मंगल पर बसने वाली पहली इंसानी बस्ती मनोरोगियों से भरी हो। उन्होंने इस दिमागी अस्थिरता को पहले ही पहचानने की ठान ली ताकि उसका इलाज हो। अहम मकसद है बेहतरीन दल को चुनना और ये पता लगाना कि लंबे मिशन और खोजबीन के दौरान अंतरिक्ष फ्लाइट में कब बर्ताव से जुड़ी परेशानी पैदा होती है और हमें तुरंत कदम उठाना होता है। डेविड ने अत्याधुनिक वीडियो ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन, OCR। इंसान के जज्बातों को उसके चेहरे के हाव भाव से पढ़ सकता है। ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन चेहरे के सकारात्मक, नकारात्मक और सहज भावों को पढ़ेगा और समय समय पर किए गए इस निरीक्षण को इन लाइनों में बताएगा। तो क्रिस, क्यों ना आपकी खिली मुस्कुराहट से इसकी शुरुआत की जाए, और देखिए जब ऐसा होता है तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये एक सकारात्मक भाव है। डेविड को उम्मीद है कि मंगल की तरफ जाने वाला कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस तरह के सॉफ्टवेयर को ले जा सकता है। ये महीनों तक एस्ट्रोनॉट के हाव भाव पर नजर रखेगा और उनके मूड में आए बदलाव को फौरन भांप लेगा। अगर कोई पृथ्वी पर रहते हुए या मिशन के पहले दौर में 3 महीनों के समयकाल के दौरान 8% मुस्कुराया हो और वही शख्स अब 4 महीने के समयकाल में 2% ही मुस्कुराया हो, तो इससे पता चलता है कि जज्बाती तौर पर उसमें शायद कुछ बदलाव आ रहे हैं। मंगल पर बने रहने के लिए तकनीकी तौर पर आगे रहना और शारीरिक तौर पर फिट रहना ही काफी नहीं है, उसके लिए बेमिसाल दिमागी मजबूती और अभूतपूर्व टीम वर्क की जरूरत भी होगी। असल में दल को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। उन्हें फिजूल के मसलों से बचना पड़ेगा। वो अलग अलग गुटों में बंटकर आपस में बात करना बंद नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाए रखना होगा जो सकारात्मक हो। हमने अतीत में जो मुश्किलें सही हैं, ये उससे ज्यादा मुश्किल मिशन है। अंतरिक्ष की गहराई में 6 महीने बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट का पहला दल मंगल पर पहुंचता है। वो लोग करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं। मंगल पर पहुंचने से जुड़ी उनकी अगली चुनौती बहुत तेजी से सामने आ रही है। उन्हें वहां सुरक्षित उतरना होगा। पिछले 40 साल में मंगल ग्रह नाकाम लैंडिंग के मामले में एक मिसाल रह चुका है। मंगल के वायुमंडल में दाखिल होने वाले 12 मानव रहित प्रोब में से 5 गिरकर जल चुके हैं। मंगल पर चीजों को उतारना बहुत ही मुश्किल है,
आपके पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो काफी टन भारी है और 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी एनर्जी के साथ जा रहा है, तो आपको वो सारी कनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, वरना आपका स्पेसक्राफ्ट किसी ज्वालामुखी में टकरा जाएगा और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना देगा। पृथ्वी का घना वायुमंडल तेजी से आते एक स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर देगा, लेकिन मंगल का वायुमंडल उससे 100 गुना पतला है। वहां रफ्तार धीमी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बेहद विशाल पैराशूट का इस्तेमाल करना।